रिसाली नगर निगम क्षेत्र में अवैध दुकानें जगह जगह संचालित की जा रही हैं, जहां प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने अवैध दुकानों पर कार्यवाही किए जाने की बात। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत अवैध दुकानों का संचालन सभी चौक चौराहों में किया जा रहा है। ऐसे अवैध रूप से संचालित दुकानदारों को नगर निगम के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जो ठेले वाले से उगाही करते देखे जा सकते हैं। इन दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। पूर्व में इन पर कार्रवाई की जाती रही है, जो अब पूर्णतया बंद है, जिससे ठेला संचालकों के हौसले बुलंद हैं। नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन के संज्ञान में यह मामला लाए जाने पर उन्होंने अवैध रूप से संचालित ठेला संचालकों पर कार्रवाई करने की बातें कही हैं। प्रतिबंधित पॉलीथीन की कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य शासन भी बहुत जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, उस पर बहुत टाइट है। स्पष्ट निर्देश है कि जितने माइक्रॉन, लगभग 3 माइक्रॉन, 5 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन जो प्रतिबंधित है, उसको उपयोग ना करें। हम लोगों ने पहले जन जागरूकता कार्यक्रम किया, पर जन जागरूकता से शायद लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हुए। उसके पश्चात हम लोगों ने थोड़ा दंडित की कार्रवाई की है, और जितना भी हो सका कार्रवाई जब्ती करने का और फाइन लगाने का। सर, अनाधिकृत रूप से जो ठेले संचालित हो रहे हैं, रास्ता जाम होता है, बाधित होता है, विशेष रूप से शाम के समय स्थिति चरमराती है, तो उनको हटाने के लिए किस तरह की सर कार्रवाई की? वो जल्दी सामान्य सभा में हमारा ये मुद्दा उठा था, और जल्दी इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल निगम आयुक्त ने अवैध रूप से संचालित ठेला संचालकों पर कार्रवाई करने की बातें कही हैं। देखना होगा इन पर कार्रवाई कब तक की जाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।